पहले किसी की सुनती नहीं ना आज सुन रही है। अरे कीर्ति, इतनी जोर जोर से बर्तन बटकोगी तो टूट जाएंगे। अरे मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया वरुण जी। तो फिर इसका गुस्सा निकाल दो। दीदू का। अरे अब श्रद्धा ने क्या किया? क्या किया, क्या नहीं किया अपने साथ? तप कर करके अपनी हालत खराब कर रही, अंगारों पे चल के अपना पाव जला लिया, मंदिर में सेवा करके बेहोश हो गई, हाथ में दिए लेके अपना हाथ जला लिया। और क्या हुआ, अबे होश में आ गया नहीं ना? तो समझ क्यों नहीं रही है कि ऐसे करके अपने आप को तकलीफ देके अपने आप को जला के कुछ नहीं होगा। पापा मैं ऐसे क्यों देख रहे? अच्छा, अब आपके लिए भी हम ही गलत, यही बोलिएगा? ठीक, दीदू ही सही है। देखो ना, तुम गलत हो, मैं श्रद्धा सही है, पर तुम्हें श्रद्धा के लिए इतनी चिंता करते हुए देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो मैं जानता हूं कि वो जो कुछ भी कर रही है उससे शायद कुछ ना, पर तुम भगवान पे तो विश्वास करती हो, तो देखना एक नए दिन भगवान उसके तप का फल उसे जरूर देंगे। कब? जब वो अपनी जान दे देगी तब? नहीं, हमसे ना अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम आज ही दीदी से बात करें। कीर्ति हमेशा गुस्सा करती है मेरे ऊपर, सामान भटकती रहती है, तो आज एक वैलिड रीज़न है उसके पास कि वो परेशान है श्रद्धा के लिए, क्योंकि श्रद्धा बहुत कुछ एक्स्ट्रा आगे जाके कर रही है अभय को वापस होश में लाने के लिए। तो कभी वो अपने पैर छील लेती है, कभी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी सेवा कर रही है मंदिर में जाके कि बेहोश हो जाती है, और कभी अपना हाथ जला लेती है आरती से। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो जैसी श्रद्धा है वो वही कर रही है, तब कर रही है किसी तरीके से कि अभय वापस आ जाए और ठीक हो जाए। और कीर्ति को ऐसा लग रहा है कि जब कुछ हो नहीं रहा है तो वो क्यों ऐसा करे जा रही है, अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है, इसलिए गुस्सा हो रही है। आप भी बहुत इमोशनल लग रहे हो। वही अभय कोमा में है और अभी तक उसको वापस होश नहीं आया, और ऐसी कुछ बात करते करते मुझे याद आ जाता है कि हम कैसे मस्ती किया करते थे पहले, क्योंकि दोनों भाई एक साथ हम बड़े हुए हैं, और अब तो लिटरली एक पूरा टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया है, तो और भी ज़्यादा इमोशंस अंदर से आ जाते हैं कि मेरा भाई अभी ठीक नहीं है और वो बेहोश है, कोमा में है, तो उसकी वही बातें याद आ जाती है और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ तो कीर्ति पढ़ाई कर रही है, कुछ बनना चाहती है, और मेरी वजह से क्योंकि शादी एकदम से हो गई थी तो उसकी पढ़ाई छूट गई थी, तो अभी वो कुछ एग्ज़ाम देना चाह रही है, कुछ कॉम्पिटिटिव वो करना चाह रही है लाइफ में। तो एज अ सपोर्टिव हस्बैंड मैं बोलता हूँ कि अरे आज मैं खाना बनाऊँगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करो और पढ़ाई करके कुछ बनो, यही मैं चाहता हूँ। अगर कुछ बन जाओगी तो कम से कम ये रोज़ रोज़ के नाटक तो बंद होंगे, लड़ाई झगड़े बंद होंगे और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो बस उसी में लगे हुए हम लोग।